सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अमोल, स्वागत है एक नए व्लॉग में। गाइस जैसे आपको पता है कि हम आ चुके हैं भंडारधारा में, और कल जैसे मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें हम मुंबई टू भंडारधारा जो मोटो व्लॉगिंग किए थे, तो उसके बाद में फाइनली हम लोग आ चुके एक ब्यूटीफुल से रिसॉर्ट में जिसका नाम है यश रिसॉर्ट भंडारधारा में। और गाइस अभी प्लान ऐसे है कि देखो मैं बैक साइड में भी पूरा एक अच्छा सा व्यू लेके बैठा हूँ यहाँ पे। अभी क्या करेंगे प्लान कि गाइस ये जो अपना रिसॉर्ट है उसको अपन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में शाम को थोड़ा सा यहाँ पे एक दो स्पॉट है जो अपन जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए गाइस अपन ये रिसॉर्ट एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो बेसिकली इनका कैफ़े है, राइट हैंड साइड में स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, रूम्स वगैरह, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रिसॉर्ट है। सो गाइस चलो फटाफट इस रिसॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा भंडारधारा भी एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस यस, वीडियो में यही होगा, वीडियो में रिसॉर्ट में दिखाऊंगा आपको यस रिसॉर्ट प्लस भंडारधारा। सो वीडियो इंटरेस्टिंग काफ़ी होने वाला है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक वीकेंड या फिर वन डे प्लान, तो आप ये रिसॉर्ट को भी ऑप्शन में रख सकते हो, और जो मैं स्पॉट्स में आपको लेके जाने वाला हूँ वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरे चैनल पर हमेशा ऐसे ही सारे वीडियोज़ आते हैं, मोटो ब्लॉगिंग होगा, ट्रैवल ब्लॉग्स हो गए, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और चलो फिर गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं एक्सप्लोर इस ब्यूटीफुल से रिसॉर्ट को। जाएंगे इसके बाद में अपने रूम्स वगैरह सब कुछ देख लिए। मैंने कोशिश की है जितने सारे रूम्स अवेलेबल थे, बिकॉज आज वीकेंड है तो काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, बट मैंने दो तीन कैटेगरीज आपको बता दी है। सो एक रेस्टोरेंट है गाइस, रेस्टोरेंट के बाद में अभी फिलहाल जाएंगे हम लोग कैफ़े में। सो एक कैफ़े भी काफ़ी अच्छा है, मैंने वीडियोज़ में देखा था, कल हम वहाँ पर जाके भी आए, और अल्टीमेट है कैफ़े का मेन्यू अलग है, बट आप आराम से वहाँ पर गेम्स वगैरह, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम सब कुछ है, और लास्ट में अपन जाएंगे स्विमिंग पूल पर। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस फिलहाल अभी अपन एक काम करेंगे, अपन जाएंगे इनके रेस्टोरेंट में। जैसे मेरे बैकपैक साइड में आप देख पा रहे हो, इनका ये रेस्टोरेंट है, फुल कोर्स रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको अलग टाइप के क्विजिन्स मिलेंगे, काफ़ी सारे हद तक मैंने हम लोग ने भी ट्राई किया था कल, हम लोग ने ब्रेक यहाँ पे डिनर भी किया था, सो ब्रंच लंच भी किया था, बेसिकली वो ब्रंच काइंड ऑफ ही हो गया था। सो ये स्टेज वाइज इट्स गुड, एम्बियंस भी अच्छा है, रेस्टोरेंट है, प्लस अभी अपन इनका जो आउटेरियर है, स्विमिंग पूल वगैरह जो इन लोग की फैसिलिटीज़ हैं वो सारे अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ में इनका और एक कैफ़े है जो नीचे है, जहाँ पे काफ़ी ग्रेफिटी वर्क किया हुआ है, सो वो भी अपन अभी देखने वाले हैं। और रिसॉर्ट इज़ गुड, आई मीन इफ़ यू वांट टू स्टे नियर बाय भंडारधारा, सो यू कैन कीप दिस आल्सो इन योर माइंड।
बहुत अच्छे से लोगों ने बीन बैग्स वगैरह रखी है यहाँ पे, वो आउटडोर उन लोग का है, पहले जाएंगे अंदर। और जो मैं ग्रेफिटी और यू नो ये पूरा लिटरली उन्होंने आर्ट के हिसाब से बना के रखा है। सो काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं कल पूल टेबल है तो पूल पूल वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, सीटिंग है यहाँ पे, आई थिंक कैरम बोर्ड वहाँ पे कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड है। सो ये इनका कैफे है ब्यूटीफुल सी, यहाँ पे इनके अलग से मेन्यू है जिसमें कैफे में आपको पिज़्ज़ा वगैरह वो सब चीज़ें मिल सकती है, यहाँ पर सब नीट लैक्स है। और यस ये इनका है आउटसाइड कैफे विच इज़ माई फेवरेट, मतलब मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तब से यहीं पे था, देखिए गेम्स वगैरह वो लोग हैं वहाँ पे, ऑफिस थी वगैरह रखी है, कैफे थे, टेबल टेनिस या भी बात है, टेबल टेनिस है और पूरा देखो उन्होंने पूरा रॉ वुडिंग की डिज़ाइन किया। सो गाइस बड़ी खास चीज़ है, जो अगर कोई रीडर्स हैं जिसको बुक्स रीड करने को अच्छा लगता है सो उनके लिए यहाँ पे थोड़े से बुक्स है विच आर ऑल्सो गुड, बट सबसे बेस्ट जगह है जो है ये स्विमिंग पूल। थोड़ा ज़्यादा धूप है, मैं थोड़ा टाइम जाऊँगा यहाँ पे, बट ये देखिए यहाँ पे आके आराम से शाम को चिल बैठ सकते हैं, बीन बैग्स भी हैं जैसे देखो दिख रहे हैं, सो बीन बैग्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो साइकिल भी रखी हुई है, देखिए साइकिल है तो साइकिल का भी आप यहाँ पे मस्त ग्राउंड लेके इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सीटिंग एरिया है सो वो भी आप। वेल सो गाइस अभी थोड़ा 360 में मैं कर रहा हूँ शूट बिकॉज अभी कैमरा निकलने का टाइम नहीं है, अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। ये एक स्पॉट है यहाँ पे, इफ यू कैन सी थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ड्रोन उड़ाया था थोड़ा सा, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आके थोड़ा सा नाटक किया था। सो गाइस अभी यहाँ पे तो अपन नहीं करने वाले हैं बोटिंग, अपन जाएंगे दूसरे स्पॉट पे, तो मेन बोटिंग स्पॉट तो वहाँ पे जो लोकल बंदे हैं ना उन्होंने अपने को बताया, तो अभी फटाफट निकलते हैं वहाँ पे और जाते हैं यहाँ पे। चलो ओके चल थैंक यू। सो गाइस फाइनली अपन देखो पहुंच चुके हैं एक ब्यूटीफुल से स्पॉट पे, बोटिंग है बंडा दारा का, सो वहीं पे अभी अपन बोटिंग करने वाले। बहुत से स्पॉट्स थे जो अपने को अभी देखने नहीं मिले, अंधेरा हो चुका था, हमको आने को भी लेट हुआ, बट एटलीस्ट जितने सारे स्पॉट्स मैंने अब इसके पहले भी दो तीन स्पॉट आपको दिखाए थे, अम्ब्रेला और जो अपना वाटर ये था डैम। सो अभी गाइस फटाफट करते हैं बोटिंग, देखो बोट्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है बैक साइड में, सो बोटिंग करते हैं, कहेगा बोटिंग करते हैं और फिर चलते आगे।